अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों ये एक चाइना का रिसीवर आया है मेरे पास, ग्रैंड प्लस ब्रांड है। और इसमें जो बोर्ड लगा हुआ है वो आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, AOSO060B501 वर्जन, ये इसमें बोर्ड लगा हुआ है। और इसका प्रॉब्लम ये है कि इसके सॉफ्टवेयर का इशू है, रॉन्ग सॉफ्टवेयर की वजह से ये बिल्कुल डेड हो गया, इसमें कुछ नहीं आ रहा, जबकि मैंने इसे इस वक्त पावर ऑन किया हुआ है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ मीटर पे, इसकी फ्लैश पे जो है 8 नंबर, इसकी फ्लैश पिन पे 8 नंबर पे। ये देखें जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मीटर भी आपके सामने आ गया, और ये जो है ये इस पे, ये इसके 1.8 भी वोल्टेज आ रहे हैं, और ये फ्लैश के 8 नंबर पे ये 3.37। ये इसकी फ्लैश के पिन नंबर 8 पे, फ्लैश की पिन नंबर 8 पे 3.37 वोल्ट आ रहे हैं, ये देख सकते हैं मीटर के ऊपर। ये 3.37 वोल्ट इस पे फ्लैश पे आ रहे हैं। ये इसकी फ्लैश है, और ये इसका जो है 8 MB 4 MB की फ्लैश है, 25Q32। ये इसका बोर्ड नंबर है, और ये सादा रिसीवर है बग़ैर सिम वाला। इसका सॉफ्टवेयर का इशू है, तो सॉफ्टवेयर मैं इसमें करने लगा हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मैं इसको क्लिप अडाप्टर के थ्रू जो है इसमें फ्लैश सॉफ्टवेयर करने लगा हूँ। ये वही रिसीवर है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वही रिसीवर है। और ये मेरे पास ये प्रोग्रामर है, इसके थ्रू मैं लैपटॉप के ज़रिए इसमें रिसीवर में सॉफ्टवेयर डालने लगा हूँ। और ये इस वक्त इसमें देखें, ये 4 MB की चिप इसने डिटेक्ट की हुई है, 4 MB की चिप इसकी डिटेक्टेड है, मैं इसमें सॉफ्टवेयर करने लगा हूँ। जी दोस्तों, अब मैंने इसमें सॉफ्टवेयर कर लिया है, अब मैं इस क्लिप अडाप्टर को उतार लेता हूँ और रिसीवर को अपनी तरफ कर लेते हैं जी। और इसका पावर का स्विच मैं लगा देता हूँ, पावर का ये स्विच मैंने लगा दिया जी। अब देखें जी, ये बिल्कुल ये हो गया जी, ऑन हो गया हमारा रिसीवर। कुछ दोस्तों, कुछ रिसीवर ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टैंड बाई लाइट होती है वो डायरेक्ट होती है, कुछ की जो है स्टैंड बाई जो लाइट वो मेन चिप के थ्रू होती है, तो इसकी जो है मेन चिप के थ्रू है। ये था हमारा आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।